गाइस आज के वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अरे बाप रे, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ मेरी टीम के ऊपर प्रैंक, वो भी पूरा दिन। जी हाँ गाइस, एक दो प्रैंक नहीं, पूरा दिन हम प्रैंक करते ही रहेंगे। और इसीलिए गाइस इस वीडियो को मुझे अकेला शूट करना पड़ रहा है, किसी को अभी तक भनक भी नहीं लगी है कि ये वीडियो प्लान हुआ है और ये शूट भी हो रहा है। मैं अकेले कर रहा हूँ सब कुछ। और गाइस उन पर प्रैंक करने का रीजन यही है कि जब भी हम कोई अलग से प्रैंक करते हैं, किसी और पर प्रैंक करते हैं, तो वो लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। पूरा सीन जो होता है उसे लाइव देखते हैं और उनको काफी मजा आता है। मैं तो उसको होस्ट कर रहा होता हूँ, तो समझ लो कोई गड़बड़ हो गई तो सारी जिम्मेदारी मेरे पर आती है। कोई लड़ाई वगैरह होगी तो मेरे पर आ गया, तो भाई सब वो तो एंजॉय करते हैं। हाँ, एक्शन सीन आ गया, चलो मजा आ रहा है, पॉपकॉर्न खा रहे। तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार उनको बलि का बकरा बनाते हैं और देखते हैं कितना मजा आता है जब उन पर प्रैंक्स होते हैं, वो भी पूरे दिन के लिए। सो गाइस शुभ काम में देरी कैसी, आप दबाइए फटाफट से लाइक का बटन, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और मैं थोड़ी बहुत तैयारी करता हूँ। गाइस तो मैं रेडी हूँ फर्स्ट प्रैंक के लिए, और फर्स्ट प्रैंक होने वाला है आर्यन के ऊपर। वो भी अपने कमरे में सो रहा है, और यहाँ पर चाहे बैंड बाजा बजे, बारात आ जाए, वो उठेगा नहीं। मतलब 10-11 बजे तक तो उठने ही नहीं वाला। और अभी गाइस होने वाला है उस पर प्रैंक, और वो प्रैंक होगा सुसु को और पोटी वाला प्रैंक। जी हाँ गाइस, और वो एक्चुअल में जो सुसु पोटी होगी वो नकली होगी। गाइस तो देखिए ये है केट का खाना, मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इसको ये बहुत पसंद होता है, बट दिखने में थोड़ा सा गंदा सा लगता है। आ जाओ, ये हो गया सुसु, ये हो गई केट, चलो चलो। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत कैमराज वगैरह सेट करने पड़ेंगे, वो फटाफट से कर देते। थोड़ा सा मैंने काम कर कर ही रखा है ऑलरेडी, फोन कर देते। फर्स्ट ये कैमरा हो गया, ये सो रहा है यहाँ पर। दिस इज द सेकंड वन। गाइस तो लगभग चीज़ें सब सेट है, और यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और मैं भी वीडियो बनाऊंगा बट एज ए व्लॉग। हम एज ए व्लॉग प्रेजेंट करने वाले हैं उसको, और हम कोशिश करेंगे कि नेचुरल एक्टिंग कर पाए इसमें। ठीक है, सब कुछ सेट कर देते। तो गाइस सब कुछ सेट हो चुका है, और हम प्रैंक शुरू करने के लिए एकदम तैयार है। आग लगा दी। सच में बहुत गंदा लग रहा है। अभी केट को बुलाते हैं, केट हमारे यहाँ पर खेल रही है। अच्छा यहाँ पर आओ। गाइस केट को मैं रख दूंगा यहाँ पर, हमें पूरा ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि केट ने उस पर सुसु किया। ठीक है, 1 2। और मैं आ चुका हूँ दूसरे कमरे में, लेट्स सी रिएक्शन क्या होते हैं, हम लाइव देखने वाले हैं। गाइस वो उठ चुका है, वो उठ चुका है। देखिए किस तरीके से अपने हाथ को देख रहा है। वो उसे धोने गया है, साफ करने गया है। अभी चलते हैं उसी कमरे में चलते हैं, और हम व्लॉग बना रहे हैं ऐसा दिखाने वाले। ठीक है, तो गाइस स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में, और मैं जस्ट अभी अभी उठा हूँ। गाइस आज आने वाला है काफी ज्यादा मजा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो आर्यन अभी उठ चुका है, क्यों उठ गए जल्दी? पोटी कर दी ऊपर। क्या? हाँ। केट ने पोटी? अरे नहीं, नहीं नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, अभी साफ करके आया हूँ। कहाँ पर? हाथ पर। अरे हो ही नहीं सकता, पोटी तो की सुसु भी कर दी। गाइस ये पर्शियन केट ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, किसी पर थोड़ी सुसु करेगी। देखिए अबे साले, तो मे भी हो सकता है, क्योंकि देखो हमने इसका जो टॉयलेट वगैरह वो बाहर रखा है, और आज ये यहीं पर सो रही थी तो कर दिया होगा। तुम इसे टॉयलेट जैसे लगे होंगे। नहीं गाइस ऐसा नहीं हो सकता कि आर्यन बोल रहा है कि उसने उस पर सुसु पोटी कर दी। तुम मेरे हिसाब से नींद में हो अभी तक, सपना देख रहे होंगे। वही अभी साफ करके आया हूँ यार। क्या सपना? यहाँ पर पोटी थी। कहाँ? दिखाओ यहाँ पर। ओ ये कुछ लगा हुआ है, देखो यहाँ। अरे मुझे तो सुना भी नहीं था, इसे गंदे हाथ कर लिए मैंने भी अपने। आई थिंक अभी पता देना चाहिए। देखो नहाने की कोई जरूरत नहीं है, वो पोटी नहीं थी।
वो था इसका खाना, ये जो ट्रीट होती है वो डाल दी थी मैंने तुम्हारे पर। क्या यार ये सुबह सुबह क्या? हाथ रखो अपने, हाथ रखो, हाथ रखो। नहीं अभी हाथ नहीं रखूंगा, देखने दे मुझे। ये बोटी वगैरह नहीं थी, छोटा था बिल्कुल, यही था। हम प्रैंक शूट कर रहे थे, ये ऐसे सुबह उठता ही नहीं है, बट ये आज इसको उठाने की निंजा टेक्निक थी और थोड़े से मजे भी आ गए हमको। ये प्रैंक मैं शूट कर रहा हूँ, लोग वगैरह नहीं है। नहीं नहीं मैं चल गई। अरे यार अभी रुको, समीर को, सलमान को, जेडी भाई को लपेटे सब पे करना। हाँ तो अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पूरा दिन आज यही करने वाले और बहुत मजा आने वाला है मुझे। मतलब देखते ही पता चल गया आज तो भाई गए, आज हो गया। गाइस तो हमारा फर्स्ट प्रैंक जो सक्सेसफुल हो चुका और बहुत मजा आ गया, बट अभी आर्यन को मुझे मेरी टीम में लेना पड़ा है। अभी मैं कर रहा हूँ सलमान को कॉल, उसको बुलाते हैं, उसके लिए भी एक अलग लेवल का प्रैंक है। कहाँ पर हो? घर पे हूँ। हाँ तो टाइम है थोड़ा सा, आधे एक घंटे का काम है हमारा। कहाँ? फ्री हूँ। हाँ कुछ फुटेजेस वगैरह निकालनी थी तो उसमें हेल्प चाहिए थी। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। कहीं उसके साथ समीर तो नहीं आ रहा? उसके साथ हमें अलग से करना है। हाँ वैसे समीर कहाँ पर है? वो सो रहा है। हाँ तो कोई नहीं, चलो रहने दो, तुम ही आ जाओ अकेले। ओके ओके चलो गाइस सब कुछ सेट है, समीर नहीं आ रहा है उसके साथ, नहीं तो यार समीर के लिए अलग है और सलमान के लिए भी अलग है। अभी गाइस वेट करते हो, जैसे ही वो आता है प्रैंक की शुरुआत करते हैं। गाइस सलमान के लिए एकदम स्पेशल सरप्राइज है यहाँ पर है, देख लीजिए क्या है खुद ही। जैसे ही गाइस ये इस चेयर पर बैठेगा, हम ऐसा सेटिंग करने वाले कि सलमान आकर इस पर ही बैठे और कोई जगह छोड़ेंगे नहीं उसके लिए, और इसमें हम एक सेटअप बनाने वाले जहाँ पर जैसे ही सलमान बैठेगा भाई साहब ये जो पटाखा है ना वो भाई ऐसे प्रैंक फेल ना हो तो अच्छा। ये तो फेल है, फटेगा। ओह बहुत धमाका, बहुत तेज, नहीं ये फेल तो नहीं था, चलो चल तो गया। और गाइस जैसे ही यहाँ पर सलमान बैठेगा हम रस्सी को खींच देंगे कुछ जुगाड़ लगाकर और भाई साहब यहाँ पर धमाका होगा। और मैं आपको बता दूं ये चीज रिस्की नहीं है, हम सोच समझ कर रहे हैं, बट आप लोग ऐसा कुछ भी घर पर मत करना, ये पार्टी पॉपर से बर्थडे वगैरह में यूज होते हैं, इसमें कोई चोट लगने का कोई ऐसा खतरा है नहीं, बट हाँ डर सकते हो ऑफिस से अगर अचानक से फट जाए तो। ये सेटअप करते हैं फटाफट से। गाइस ये हमारा प्रैंक थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, कितने लगाइए क्या फिर? दो का कोई मतलब नहीं ना, एक साथ तो फटेंगे नहीं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको छिपाने वाले हैं। गाइस मैंने यहाँ से एक रस्सी निकाली है और इसके साथ में ये पटाखा जो हूँ लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, और होपफुली गाइस ये काम कर जाए, क्योंकि यहाँ पर होता क्या पता है, ये काफी सारे ऐसे पटाखे होते हैं जो कि होते हैं खराब। 1 2 काम नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ अलग जुगाड़ करना पड़ेगा। 2000 years later गाइस तो सब कुछ सेट हो गया, अभी जब सलमान आएगा तभी ये प्रैंक उस पर होगा। गाइस जैसे ही सलमान आएगा उसकी मेहमान नवाजी होगी फैंटा से, पर फैंटा वो अभी हम घर पर बनाने वाले हैं, ये है ओरिजिनल फैंटा और हम बनाने वाले हैं उसके लिए डुप्लीकेट, एकदम कड़वी, बहुत सारे नमक वाली और बहुत खारी, कुछ कर देंगे जितना भी हम कर पाए, ठीक है। और इसके लिए हम फूड कलर यूज कर रहे हैं, ध्यान रहे यहाँ पर हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो खाने लायक ही है, बट हाँ उसका टेस्ट खराब होता है वो अलग बात है। नहीं यार ये तो पीला बन रहा है, क्या करें, पूरी डाल देते तो ज्यादा फर्क नहीं। मैं और कुछ चीजें ले आता हूँ जिसका और इसमें कलर डालकर या फिर कैसे भी कर इसको सेम बनाना है। ये आ गया नमक, देखिए गाइस अभी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है। ये वाला जो है वो हमने बनाया है सलमान के लिए स्पेशल ड्रिंक है, और ये दोनों में फेंटा है, और यहाँ पर निशाने के लिए मैंने ये रख दिया है, देखिए इससे होगा ये कि डायरेक्टली हम भी पहचान पाएंगे कि कौन सा ग्लास। रुको मैं देख लेता हूँ कौन है। क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। अरे क्या बोलता है, कहाँ रुक गए? नहीं थोड़ी देर लगे। तू कैसी बात? अरे बहुत ज्यादा। क्या ब्लॉग चल रहा है? हाँ ब्लॉग ब्लॉग। हाय गाइस, सो रहा है अभी तक तो? अभी तक हाँ, शायद उठेगा 1-2 बजे। ये हो गया फिर कोई स्प्राइट वगैरह पे यही चलेगा चलेगी। हाँ यार कर गई थे बस। क्या हुआ? ये अजीब नहीं लग रही हूँ? नहीं यार एकदम मस्त है। मैं तो पूरा पी गया पहले। नहीं की पीछे सेम कलर ना? एक्सपायर है, 100% एक्सपायर है। तुम्हारी तो एक्सपायर? नहीं मैं तो पूरा ग्लास पी गया। गला खराब था ना तुम्हारा? हाँ गला खराब। हाँ तो टेस्ट बिगड़ जाता है। टेस्ट क्या चेंज हो जाएगा? नहीं टेस्ट थोड़ी चेंज हो सकता है। एक्सपायर तो नहीं है ये। मत पियो। नहीं नहीं एक्सपायर नहीं है। मत पियो सच बोल रहा हूँ। एक काम करो पहले ऊपर जाते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा काम निपटा दे, बाद में मैं चाय रखता हूँ, ठीक है। गाइस पता नहीं क्या हुआ सलमान को, जो वो फेंटा कुछ अजीब सी लग रही है, बट मेरा कहना है कि उसका गला खराब था, उसको सर्दी वगैरह हो गई थी, तो मे भी वही हो सकता है।
तो वैसे हम आ चुके हैं यहाँ पर ऊपर और सलमान भी आ चुका है और थोड़ा सा जो हमारा काम है वो हम निपटाने वाले हैं और थोड़े से फाइल्स का जैसे मैंने बात करी थी वो थोड़ा सा काम है। तो मैं क्या कहता? बैठो बैठो तुम यहाँ पर बैठो बैठो। मैं क्या कहता हूँ वो हाँ ये कर लो पहले। हम लोग जो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट व्लॉग्स किस पर आएंगे। ये आवाज कर रहा था ये ना बर्थडे बताए उसमें लग जाते चार से। चलो 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 इजी ले आओ। अगर वो तो डाउट ही नहीं वो हल्का हल्का फुल्का कराओगे तो किसी को उसमें लग जाते चार से पांच लाख रुपए इजी ले आओ। अगर वो तो डाउट ही नहीं वो हल्का हल्का फुल्का कराओगे तो किसी को बहुत बड़ा दिमाग यार ये कुछ भाग रहा है ना मतलब था क्या वो तो पता सच में मुझे पता नहीं था तेरे को दो प्रैंक हो चुके हैं। ये प्रैंक कर रहे हैं इधर देख अंदर देख इसके तो क्या था वो कलर और नमक था फूड कलर था और नमक था बस हमने ठंडा जैसी फेक बनाई थी तो बता रहा था ना मैं तो बीमार नहीं हूँ मुझे गलत साबित कर रहे थे धमाकेदार प्रैंक हो चुका है सलमान के ऊपर और ये वाला बहुत बढ़िया था मुझे तो सच में ऐसा मत किया चलो गाइस सलमान का तो हो गया अभी समीर क्या कर रहा था सो रहा था तो वो आ पाएगा उसका कॉन्टेक्ट करो गाइस उसके ऊपर जो प्रैंक कर रहे ना हम लोग उसमें हमें कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं हमें सिर्फ झूठ बोलना है और ऐसा झूठ कि समीर को तो मजा आ जाएगा बट बाद में उसके सपनों पर पानी फिर जाएगा तो तैयार लोग चलना है क्या नहीं लोग था ही नहीं मेन चैनल का है हां मेन एक्सपेरिमेंट ही बनाने वाला है अबे यार गाइस अभी देखते हैं समीर जो कब तक यहां पर पहुंच पाता है मेरे हिसाब से लेट तो हो ही जाएगा तुम है ना उसका कांटेक्ट करो मुझे उसे फोन पे ही प्रैंक करना है पूरा का पूरा देखिए मजा आता है गाइस अभी हम लोग तैयार है और समीर को कॉल करने वाले है और बाद में उसको उल्लू कैसे बनाते हैं देखिए समीर अभी घर पर होगा और हमने उसका कॉन्टेक्ट कर लिया है वो जाग चुका है अभी मैं उसको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ ठीक है गाइस प्रैंक आगे बढ़े आप उससे पहले प्लीज यार इसके लिए जो लाइक का बटन है वो दबा देना और चैनल पर नए हो ना तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी धमाकेदार प्रैंक जो समीर पर हो रहा है ठीक है। हेलो अभी तक सो रहे हो? अच्छा तो मैं क्या बोल रहा था दुबई जाने का है अर्जेंट दुबई 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 जाना है हाँ बजे? तुम जाग रहे हो क्या कर रहे हो भाई दुबई बोल रहे हो या दुबई जाना है हाँ तो कभी यार इसलिए बोला तो एक काम करो तुम है ना मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर मेरे घर आ जाओ फटाफट रेडी होकर अभी वो आता है और उसको बाद में हो जाते है कि एक बहुत बड़ा झूठ था हम कहीं पर नहीं जा रहे हम यहाँ से 20 किलोमीटर भी नहीं जा रहे दुबई तो वहाँ क्यों बन रहे A few moments later. Okay, okay. चलो रेडी कॉल कॉल अभी अरे अरे आओ आओ क्या इतनी देर से क्यों है सो रहा हूँ सो रहा हूँ हमने जब बोला चलो ये तो लोग सुट रहा है ठीक है पता चल गया गाइस मैंने जब इसको बोला कि हम दुबई जा रहे हैं तो पहले तो इसने ऐसा लगा कि कहीं 20-25 किलोमीटर दूर आसपास होगा दुबई वहां पर जा रहे हैं ठीक है कुछ गैजेट्स लेने के लिए हमें जाना था वहां पर और तभी से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कभी जब टाइम मिल जाए तो हम निकलेंगे दुबई के लिए वीजा हो गया वीजा का तो ऐसा है मैं आपको दिखाता हूं रिपोर्ट में पीडीएफ आई क्या नहीं तो वो मैंने अप्लाई हमारे पास वैसे तो पड़ा ही होता ना और यहां से कौन छोड़ने आएगा टैक्सी में जाएंगे अभी देखते हैं कुछ फिक्स नहीं हो सकता है थार में या फिर किसमें जाए थार में लगे जा जाएगा दो ही हो गए ना हम दो ही है तो मुश्किल से दो हो जाएगा तो तुम नहीं आ गए नहीं थोड़े से सामान क्या है नेक्स्ट वीक शूट तो है हमारा हाँ कहाँ वो शूट है ना
अरे उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देंगे, उसे वरी कर। गाइस यहां पर पासवर्ड वगैरह सब कुछ आ चुका है। गाइस तो सब कुछ सेट हो चुका है और हम लोग अभी फटाफट से दुबई के लिए निकल रहे हैं। मैं तो नहाने वाला भी नहीं हूँ। तुम नहा कर आए हो? गाइस समीर नहा कर आया बट मैं नहाने वाला नहीं हूँ और हम निकल रहे हैं फटाफट से दुबई के लिए। क्या बोल रहे हो? मतलब ओला कर लो, उबर कर लो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई। ये देखो कितना बड़ा दुबई है। आया मजा। इसमें तो मजा। टेलीपोर्ट होके ही चले जाओ। ये रहा दुबई, ठीक है। तो गाइस हमने प्लान किया था दुबई हम जा रहे हैं, ठीक है। वो मैप में जा रहे थे, एक्चुअल में जा ही नहीं रहे। मतलब तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता है कि कुछ प्रैंक वगैरह हो सकता है। अच्छा काम करो, रुक 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 कहाँ रहे बुर्ज खलीफा। गाइस यहाँ से मैं लेके लेता हूँ। देखो ये रहा दुबई और मेरे हिसाब से कहीं कुछ घर वगैरह खरीदने थे। अच्छा खासा मैं सो रहा था, मुझे तो सोने देते ना। दुबई जाने की बात चल रही है हमारी कि हम जा रहे हैं, सच में जा रहे हैं। ऐसा नहीं इसको प्रैंक किया, वो तो अलग ही बात है, बट हमें कुछ गैजेट्स खरीदने के जाने था, बट वो आज जा रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं था। तो इसको ढील नहीं दिया गया। ये कोई फ्रेश पास में ही है तो चले जाते। मतलब पास में था नहीं, फोन में ही था। ये चाहता अपने फोन में। सो गाइस ये था आज का प्रैंक। और मतलब एक बार समीर का भूत देखो कैसा हो चुका है। ये दुबई का सोच कर आया था कि आज दुबई जा रहे बहुत मजा आएगा, बट कहीं नहीं जा रहे, यहाँ से घर पर बाहर नहीं जा रहे, घर से बाहर भी। तो आई होप गाइस आज का प्रैंक्स मतलब क्या कह सकते हैं, वीडियो देखकर आपको मजा होगा। तो प्लीज यार जो लाइक का बटन है उसे दबा देना और चैनल पर नया हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।